बाद में देख लेना यार, पहले वीडियो समझ लो। समझे बात को कि नहीं समझे? ये जो वीडियो है यही काम देगी जिंदगी भर के लिए, समझ गए बात को ना? शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। आईपीएल भी तभी देखोगे, शरीर स्वस्थ है, जेब में पैसा है, रोकड़ा है अगर जेब में, ठीक है, रिचार्ज करवाना पड़ता है, नेट पैक लगाना पड़ता है, तभी देख पाते हो। कैसे देख लो उतने फोन में है? बताओ पैसा कैसे रहेगा जेब में, पैसा कैसे बचेगा? जब शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च नहीं होगा, तभी आईपीएल देख पाओगे। मेरी तरह जो बंदा कंजूस है, वो 1 रुपया भी खर्च अगर उसको करना पड़ जाए तो गले में आफत आ जाती है। भैया प्रोस्टेट के लिए ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं, सिर्फ 3 दिन में आपको असर दिख जाएगा इस चीज का, 3 दिन में दिख सकता है। लेकिन ये तरीका जो बताऊंगा वैसे ही आपने प्रयोग करना है, कोई घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन भैया मैं बता रहा हूँ, जो पैसा बचाना चाहता है, पैसे को सेव करना चाहता है बैंक में, वही देखना भैया कि कैसे ये तरीका करना है, क्या क्या इसमें हमें यूज करना है, क्या क्या इस हलवे को बनाना कैसे है, बहुत आसान है। और प्रोस्टेट को समझो कि प्रोस्टेट का एक तरह से ये दुश्मन है, जानी दुश्मन है ये हलवा। ये जो घर पर आप लोग हलवा बनाएंगे, ये प्रोस्टेट का जानी दुश्मन है। जैसे ही प्रोस्टेट की नजर इस हलवे के ऊपर पड़ेगी ना, तो भैया प्रोस्टेट अपना साइज कम करना शुरू कर देगा। मत नहीं डरना है, क्यों डर रहे हो यार? प्रोस्टेट उसकी शक्ल देख के ही भाग जाएगा यार। देखो प्रोस्टेट हो, अगर इसमें ज्यादा हो रहा है, उसकी मेन जो वजह है उसको आप लोग नहीं पहचानेंगे ना यार, तो आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, पहले आप ये समझो कि प्रोस्टेट हमें क्यों हो रहा है बार बार, क्या वजह है ऐसी, क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं हो गया, कोई वजह नहीं है। आप अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं भैंस का जिसमें फैट होता है, वो नुकसान कर रहा है आप लोगों को। घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, वो नुकसान कर रहा है आप लोगों को। शराब, मीट, अंडे, सिगरेट, बीड़ी, ये सब यूज कर रहे हैं आप लोग, वो नुकसान कर रहा है आप लोगों को। फास्ट फूड, चाउमीन, मोमो, बर्गर खा रहे हैं आप लोग, वो नुकसान कर रहा है आप लोगों को। मैदा नुकसान कर रहा है आप लोगों को। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन नुकसान बहुत ही तगड़ा वाला करती है मेरे भाई। तो संभलना है तो संभल जाओ, सुधर जाओ, ये हलवा बना लो घर पर। मैं हफ्ते में एक बार इसको खाता हूँ, रोज नहीं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ सच बात। गांव का बंदा हूँ, देहाती बंदा, कभी झूठी बात नहीं बोलता यहाँ पे। अब मैं रोज नहीं खाता तो नहीं खाता भाई, सर्दियों में रोज खा लेता हूँ, लेकिन गर्मियों में रोज नहीं खाता हूँ। गर्मी में सिर्फ हफ्ते में एक दिन बहुत होता है, बहुत है। आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है ये हलवा। अब हलवे का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी तो आया हो गया भैया कि वाह, ये बनी ना बात यार। छोड़ो यार, पर ये हलवा बनाओ यार, स्वाद के साथ सेहत भी ले जाओ, क्या इशू है, क्या परेशानी है? भैया जब ये हलवा खाओगे ना, आप लोग सोचो कि वाह सर हमें क्या, आप लोग ने क्या, आपने ऐसा इलाज बताया, हम तो तंग हो गए थे। स्वाद के साथ स्वाद भी आ रहा है, आराम के साथ हमें आराम भी मिल रहा है। तो कैसे हलवा बनाना है ये? प्रोस्टेट, मैं बता रहा हूं, प्रोस्टेट का जानी दुश्मन है, दुश्मन नहीं है प्रोस्टेट का ये हलवा, जानी दुश्मन है। आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, एक जानी दुश्मन देखी है ना? हाँ वो याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि प्रोस्टेट का भार कितना होता है, प्रोस्टेट का कितना साइज होता है, प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ता है, 40 साल के बाद परहेज क्या करने है कि प्रोस्टेट ना बढ़े, ये नहीं पता है। लेकिन फिल्म के बारे में सब पता है, जानी दुश्मन फिल्म आई थी यार, वाह क्या आप हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं यार। क्या क्या परहेज करने है वो नहीं पता है, कौन कौन सी पेल्विक एक्सरसाइज करनी है वो नहीं याद है, लेकिन फिल्म का नाम याद है कि हाँ जाने दुश्मन एक फिल्म है यार, हमने देखी थी, वो भी देखो अच्छी बात है, हम भी देखते हैं। लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है ना, आईपीएल में फंसे पड़े हो, आईपीएल देख रहे हो, फोन का डाटा बचा रहे हो कि भैया वीडियो को छोड़े पर आईपीएल देख लो। भैया आईपीएल देख लो अच्छी बात है, लेकिन आईपीएल आपके शरीर को स्वस्थ थोड़ी करेगा, स्वस्थ रहने के लिए घरेलू उपाय दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। उम्र भर साथ तो आपके शरीर ही देगा, तो बात को समझो। यहां पर प्रोस्टेट का साइज होता है 20 ग्राम, 18 से 20 ग्राम इसका भार है।
अब जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो भैया भार भार भी बढ़ जाएगा। कोई ऐसे भूत नहीं है, राक्षस नहीं है प्रोस्टेट कोई। प्यारा सा एक बहुत ही सुंदर सा ग्लैंड है, ग्रंथि है, पौरुष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसका काम बहुत जरूरी है, पुरुष भाइयों का दूसरा दिल कह लो या आप इसे, तो गलत नहीं होगा। एक दिल होता है यहां पर, एक होता है पौरुष, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे, और इसका काम है सेमन प्रोडक्शन करना, उसके क्वालिटी क्वांटिटी यूरिन फ्लो को मेंटेन करना। पेशाब कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, रात को ज्यादा आ रहा है, दिन में ज्यादा आ रहा है, उसको कंट्रोल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर खासकर अगर आप उस पड़ाव में हैं, उस पड़ाव में आ चुके, मतलब 40 साल क्रॉस कर गए, तब तो ये आपका एक परमानेंट दोस्त है, पक्का दोस्त यही है। इससे दोस्ती करोगे तो आने वाला बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, तंग नहीं करेगा आप लोगों को। ये बात को आप लोग थोड़ा दिमाग में अच्छी तरह से घर करवा लीजिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड भार जो उसका बढ़ता है, कोई घबराने वाला बात है, मेरा ही बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, मेरा भी बढ़ेगा 40 साल के बाद, आपका ही प्रोस्टेट का ग्लैंड का उसका साइज भी बढ़ेगा। इस परमपिता परमेश्वर ऐसी हमारे शरीर में ऐसी वो एक ऐसी प्रोसेस लगाई, क्या करे। लेकिन हर पुरुष के प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ेगा 40 साल के बाद, लेकिन हर किसी को पेशाब की परेशानी नहीं होती है ना, हर बंदा पेशाब को थोड़ी दौड़ता है 40 साल के बाद। कुछ ही पुरुषों में क्यों होती है, ड्यू टू लैक ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। एंड द मोस्ट ट्रस्टेड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, अगर इसको मैं एक्सरसाइज नहीं बोलूं, मैं इसको बोलता हूं योगासन, बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन, मेरी तरह ये तितली आसन कर लो, तितली उड़ाओ आप लोग भी, टांगों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब नहीं पता कैसे करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, वहां पे आप लोग समझ लेना कैसे करते हैं। इससे पूरा पेल्विक एरिया आपका मजबूत हो जाएगा भैया, ध्यान यहीं पर रखना। इसमें आप जो भी, इसमें अगर आप लोग बर्गर चाउमीन मोमो खा रहे हो भैया, तो थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को आराम दे दो, वीडियो को देख लो, 5-10 मिनट का समय है, आईपीएल बाद में देख लेना यार, पहले वीडियो समझ लो। समझे बात को कि नहीं समझे, ये जो वीडियो है यही काम देगी जिंदगी भर के लिए, समझ गए बात को ना। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, आईपीएल भी तभी देखोगे, शरीर स्वस्थ है, जेब में पैसा है, रोकड़ा है अगर जेब में, ठीक है, रिचार्ज करवाना पड़ता है, नेट पैक लगाना पड़ता है तभी देख पाते हो, कैसे देख लो उतने फोन में, है बताओ पैसा कैसे रहेगा जेब में, पैसा कैसे बचेगा, जब शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च नहीं होगा, तभी आईपीएल देख पाओगे। तो उपाय सुन लो जल्दी से, वो क्यों इतना समय आपका बर्बाद करना, उपाय सुन लो जल्दी से। अच्छा, जौ बाजरा और गेहूं, तीन चीजों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिलाना है, उसका हलवा बनाना है। अब आप सोचोगे इसका हलवा कैसे बनाना है, जैसे मैं बनाता हूं, बता रहा हूं आगे सुन लो, इतनी जल्दबाजी में क्यों हूं आप लोग यार। आप लोगों ने एक बड़ा सा मरतबा लेना है, उसमें आप लोगों ने देसी घी, लेकिन देसी घी कौन सा, गाय का, गाय के दूध का देसी घी, भैंस का दूध तो यूज करना है नहीं है, गाय का। आप देसी गाय के दूध का घी लिया, 2-3 चम्मच डाली, उसमें आप लोगों ने जौ बाजरा और गेहूं अच्छे तरीके से उनको मैश करना है, मतलब पीस लेना है अच्छे से, सिलवट्टे पे पीस लो उसको, अच्छे तरीके से सिलवट्टे पीस लो, फिर उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पकाना है, उसमें शक्कर डाल लो। वो तो अगर ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे हलवा बनाते हैं, बस आपने सेम वही प्रोसीजर रखना है। जब आपने देखा कि हलवा थोड़ा उस पर फ्राई करना है तेल में, जब वो लाल हो जाएगा ना, ये तीनों चीजें आपस में मिलानी है पाउडर बना के, तीनों का पाउडर बनाना है, सिलौटे के ऊपर पीसना है, तीनों को देसी घी में डाल दो मर्तबान में, अच्छे तरीके से उसको पकाओ, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक बर्तन हो, अच्छे तरीके से पकाते रहो उसको, जब वो पककर लाल हो जाए ना, तो पानी डाल दो 1 या 2 गिलास, जैसे हलवा बनाते हैं सूजी का, बस वही वही सेम प्रोसेस है, फिर उसको खा जाओ आप दो टाइम। और यकीन मानो, देखो ये बातें प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊं तो आप लोगों को नहीं समझ लगेगी, और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, ये हम गांव के देहाती देसी बंदे होते हैं, सब करते, तो हमें असर दिखा है, असर स्वस्थ है भैया। अब इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला मुश्किल काम होता है, एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है कि जौ खाएंगे, बाजरा, इनसे क्या फायदा होगा। पुराने बुजुर्ग थे घर में, दादा दादी 100 साल तक जी रहे हैं, आप लोगों की अभी से घुटने टेक दियो, 40 साल की उम्र में घुटने टेक दियो, अगर कोई बंदा जी भी जाता है ना 100 साल आज की उम्र में, आज के समय में तो दवाइयां खा के जी रहे हैं वो, तो मर्जी आप लोगों की है, उपाय मैंने आप लोगों को बता दिया, करना आप लोगों ने।
और फिर बोल रहा हूँ, पैसा बचाना चाहते हो तो भैया उपाय कर लेना, ये बैंक में धड़ धड़ पैसा सेव करते हो, ये तरीका है। और इतना स्वाद आएगा इस हलवे के, आप खाएंगे ना आप लोग, इसमें ड्राई फ्रूट आप ऐड कर लेते। मैं तो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड, ऐसे मैं इसमें छुहारा, बादाम, थोड़ी सी दाख, किशमिश, ये सब ऐड कर लेता हूँ। आप लोग भी चाहें तो ऐड कर सकते, कोई नुकसान नहीं होगा, समझ गए बात को, नुकसान नहीं होगा। ड्राई फ्रूट आपने के लिए फायदा करता है प्रोस्टेट में। तो मैंने आपको समझा दिया, जो मेरा खुद का तरीका है मैंने वो आप लोगों को बता दिया, करना ना करना वो आप लोगों के भैया खुद की मर्जी है। भैया मैं तो हूँ कंजूस, मैं बचाता हूँ पैसे, सिंपल सी बात है, वो मर्जी आप लोगों के लिए, आप लोगों की है। कंजूस बनना चाहते हैं कि आप लोगों की पैसे खर्च करना चाहते हैं, वो आप लोगों के ऊपर में डिपेंड, वो आप लोगों के ऊपर बात डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्णा।